तो गाइस ये सियालकोट का पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे पराठे मुतारिफ हुए थे, चिकन पराठा एंड बीफ पराठा। और किसी टाइम पे ना सियालकोट की सौगात समझा जाता था पराठा। तो आप अभी शायद हम वही खाएंगे, तो आपको दिखाते हैं कि इनका पराठा कैसा होता है। ठीक है, अभी आपको अंदर लेके चलते हैं। ये सियालकोट का काफ़ी वेल नाउन रेस्टोरेंट है, इसका नाम है ग्रिल एंड थ्रिल रेस्टोरेंट। अभी ये अंदर जा रहे हैं, अंदर जो जगह है ना, अंदर थोड़ी कैपेसिटी इनकी कम है बैठने की, लेकिन ये जो बाहर बिठाते हैं ना, वो इनकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो अंदर मैक्सिमम 25 से 30 लोग ही बैठ सकते हैं। यही इनकी सारी कैपेसिटी है अंदर बैठने की। ये भाई यहाँ पे बहुत पुराने हैं, काफ़ी ओल्ड है, ये यहाँ पे काम करते हैं और बड़े दिल से काम करते हैं। अभी तक आपकी पोस्ट वैसे नहीं बढ़ी, लेकिन माशाल्लाह काम बहुत अच्छे करते हैं। ये जनाब, इसने ये मुंह धो रहा है, मुंह धोने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ना। देख लेना, आप मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर ही हैं। दो मिनट वेट करके देख। अच्छा चलो कर लेते हैं। हाँ जी देखो, हाँ जरा क्या फ़र्क पड़ा है, कमेंट्स में जरा लास्ट कमेंट्स में बताना, मुझे बहुत ही बता देंगे कमेंट्स में। ओए चमके अच्छा जी, वाह जी। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर हमने दे दिया है और अभी हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। ऑर्डर आते फिर आपको दिखाते हैं वो कौन से पराठे हैं जिनका हम आपको बता रहे हैं। जी तो गाइस, ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, ये चीज़ वाले पराठे इन्होंने ऑर्डर किए हैं। और सर्विंग में ये लोग ये वाली जो है ना रायता चटनी है, दही वाली चटनी, चटनी यानी कि एक दूसरे की चटनी है, वो थोड़ी सी ज़रा थोड़ी कड़वी है लेकिन मज़े की है। ये चीज़ वाला पराठा है इनका, और ये पराठा मैक्सिमम एक बंदा इजीली खा लेता है। ये तो गाइस ये इनकी दूसरी चटनी है, ये पुदीने से और किसी और चीज़ से मिलकर बनी है, अच्छी चटनी है, ये भी काफ़ी फेमस है। ये पराठे हैं, ये भी पराठा है चिकन पराठा, और अभी कढ़ाई हमने लगवाई, इसका हम वेट कर रहे हैं। जी तो गाइस ये हमारी कढ़ाई है, ये आ चुकी है, कलर इसका काफ़ी फ्रेश है और काफ़ी अच्छी कढ़ाई लग रही है।